और बॉलीवुड एक बार फिर हिल कर रह गया। अब की बार भी वजह बना एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस। इस केस में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर शक्ति कपूर के बेटे और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई, अदाकार और कई फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर को अरेस्ट कर लिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया ने एक पार्टी पर छापा मारा और धर लिया सिद्धांत को। इस पर इल्जाम लगाया कि वो ड्रग्स ले रहे थे, फिर टेस्ट कराया गया और टेस्ट में भी साबित हो गया कि सिद्धार्थ ने वाकई ड्रग्स ली हुई है। मगर बॉलीवुड की किसी शख्सियत को ड्रग्स केस में धर लिए जाने का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले बॉलीवुड के कई नामवर सेलिब्रिटीज मुख्तलिफ ड्रग्स केसेस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। किसी पर इल्जाम था ड्रग्स इस्तेमाल करने का, किसी पर बेचने का और किसी पर सिर्फ रखने का। किसी को सजा दी गई, किसी को भारी भरकम जुर्माना हुआ और किसी को मिली क्लीन चिट। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ के अलावा अब तक बॉलीवुड के कौन कौन से बड़े स्टार्स ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे पहले बात बॉलीवुड के मुन्ना भाई MBBS यानी संजय दत्त की। संजू बाबा को मंशियात की लत लग गई थी, फिर उन्हें 1982 में ड्रग्स इस्तेमाल करने के केस में जेल की हवा खाना पड़ी थी। वो 5 माह बाद रिहा हुए थे और उसके बाद उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर में बकायदा इलाज होता रहा था। ड्रग्स केस में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन स्टार्स भी अरेस्ट हो चुकी हैं और उन्हीं में से एक है मशहूर खातून कॉमेडियन भारती सिंह। भारती सिंह के घर और ऑफिस से गांजा बरामद हुआ था। इस पर उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने धर लिया था और साथ में उनके हस्बैंड को भी। खैर, फिर रिहाई पाने के लिए दोनों को जमानत कराना पड़ी थी। अपने वक्त के अच्छे खासे मशहूर हीरो फरदीन खान को भी ड्रग्स ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। फरदीन खान को 2001 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था और इन्हें तो आप जानते ही होंगे और वो भी बहुत अच्छी तरह। ये हैं मशहूर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। रिया खुदकुशी करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड भी थी और उन्होंने ही ड्रग्स खरीदकर सुशांत को लाकर दी थी। इस पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम था कि क्रूज शिप पर होने वाली एक पार्टी पर छापे के दौरान उनसे ड्रग्स मिली थी। वो कई दिन कैद भी रहे और ये कुछ अरसा पुरानी बात ही है। इस स्कैंडल ने बॉलीवुड को 11,000 वॉट्स का झटका मारा था। किंग खान की बदनामी भी हुई थी मगर शाहरुख खान और आर्यन खान ने केस लड़ा और उस वक्त तक हार ना मानी जब तक के आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्लीन चिट ना दे दी।